नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर बाजार भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, मूंगफली, कपास, हल्दी और प्याज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा होगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल धान की सरकारी खरीद में हुआ 27% से ज्यादा का इजाफा, बुआई 21 लाख हेक्टेयर के पार। सुस्त रही मंडियों में मूंग की आवक, जोधपुर मंडी में 6,430 रुपए रहा बाजार भाव। 2 लाख टन के पार पहुंची मूंगफली की सरकारी खरीद, 23,000 हेक्टेयर पीछे चल रही खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा साबुत मूंग का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं धान के बाजार से। बता दें कि बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में इजाफा हुआ है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई का रकबा 21 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, और वहीं सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद लगातार जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 27% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। धान के बाजार पर आइए देखिए ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में मामूली उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अधिक रही। धान की खरीद पर नजर डाले तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 17 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 17 जनवरी 2020 तक धान किसानों से 5,65,00,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 4,53,65,000 टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 27.15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहां 8 जनवरी तक धान की कुल खरीद 2,02,00,000 टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 35.85% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई की बात करें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में इजाफा हुआ है। 15 जनवरी तक धान की कुल बुआई 21,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 20,04,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 20 जनवरी को धान का भाव था 1,350 रुपए। 21 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। राज्य की ही कोटा मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहां 20 और 21 जनवरी को धान 1,450 रुपए पर बिकी। वहीं गुजरात की देहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ खरीद फरोख्त हुई। यहां 21 जनवरी को धान का भाव रहा 1,630 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 1,605 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। यहाँ की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। 20 और 21 जनवरी को यहाँ धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,868 रुपए पर बिकी। राज्य की ही नौगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 जनवरी को धान का भाव था 1,868 रुपए, जो कि 21 जनवरी को भी 1,868 रुपए पर बरकरार रहा।
तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात बाजार में बने हुए हैं धान के, इनको देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। इस बार अगर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा निर्यात देखने को मिला है और उसकी वजह से हमने धान के बाजार में तेजी का माहौल बनते हुए देखा है। हमें लगता है कि धान के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और भावों में यहाँ से अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में धान में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, निर्यात मांग से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, आने वाले दिनों में यहां से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनु जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार भाव के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से हो रही मूंग की खरीद 11,000 टन के पार पहुंच चुकी है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सुस्त रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 12 जनवरी तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 11,369 टन मूंग की खरीद की गई है। 12 जनवरी तक हरियाणा से 1,099 टन मूंग की खरीद हुई है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 559 टन, जबकि राजस्थान से 9,000 टन से ज्यादा मूंग खरीदी जा चुकी है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 7,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मूंग के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 7,865 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 15 रुपए की नरमी के बाद 7,850 रुपए हो गया। कर्नाटक की नरगुंद मंडी में 20 जनवरी को मूंग का भाव रहा 6,800 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 300 रुपए की गिरावट के बाद 6,500 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 60 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 जनवरी को मूंग का भाव रहा 6,430 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 6,370 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 20 जनवरी को मूंग का भाव था 6,220 रुपए, 21 जनवरी को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 6,200 रुपए पर हुए। मूंग की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,60,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 4,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 2,75,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। तो अभी आपने देखी एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी मूंग के बाजार पर। इस पर और जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुजी, मूंग के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? मूंग की बात करें या दालों की बात करें तो वहां पर हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। हालांकि अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से मूंग में और बाकी दालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए अभी? मूंग के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंग रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में मूंग के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि किसान अगर होल्ड करते हैं मूंग को तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंग के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो बता दें सेब का बाजार भाव यहाँ रहा 8,000 रुपए।
पाए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसके सौदे हुए 8,500 रुपए पर। वही कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसका बाजार भाव रहा 10,000 रुपए। जबकि बात करेंगे मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की तो बता दें यहाँ सेब की बिकवाली हुई 3,400 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में सेब के बाजार भाव दर्ज हुए 6,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बता देते हैं आपको केले के बाजार भाव का हाल। बता दें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,500 रुपए। इसी के साथ कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें यहाँ इसका बाजार भाव रहा 2,000 रुपए। जबकि केरल के अरूर मंडी में केले की बिकवाली हुई 2,300 रुपए पर। और इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की तो इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 1,800 रुपए। वहीं सीतापुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी कपास और मूंगफली की। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मंडी खबर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन के स्थान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी कपास की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। बता दें आपको कि रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक 4 लाख हेक्टेयर में ही मूंगफली की खेती हो सकी है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद लगातार जारी है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। मूंगफली की सरकारी खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 12 जनवरी तक नेफेड ने 2,78,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 253 टन, राजस्थान से 69,919 टन, उत्तर प्रदेश से 5,846 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 201,426 टन मूंगफली खरीदी गई है। जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 600 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,47,030 किसानों को लाभ मिला है। हालांकि इस साल रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी मूंगफली 4,31,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 4,54,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,130 रुपए, जो कि 21 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 5,130 रुपए पर टिका रहा। राज्य के ही राजकोट मंडी में 21 जनवरी को मूंगफली का कारोबार 235 रुपए की छलांग लगाकर 5,375 रुपए पर हुआ, जबकि 20 जनवरी को यहां इसका भाव था 5,140 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में 20 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 4,900 रुपए। 21 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,000 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की महोबा मंडी में 20 जनवरी को मूंगफली की खरीद फरोख 4,350 रुपए पर हुई। 21 जनवरी को यहां इसका भाव 15 रुपए टूटकर 4,335 रुपए पर हुआ। तो जाना आपने कि मूंगफली के बाजार की हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है उसी वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इस बार बंपर क्रॉप देखने को मिल रही है, हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए?
मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी अपनी मंडियों में अपना जाकर माल बेच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंगफली की। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अनार के बाजार भाव की। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 9,500 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 15,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 7,000 रुपए पर, और वहीं लखनऊ मंडी में इसका भाव रहा 6,810 रुपए। तो जाना अपने अनार के बाजार भाव के हाल के बारे में। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें कि खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद जारी रखी है। 17 जनवरी 2020 तक कपास की 84,80,544 गांठों को खरीदा है, जिससे 17,27,601 किसानों को इसका लाभ मिला है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है वहां पर गुरुवार को कपास का भाव रहा 5,405 रुपए, और यहां की धोराजी मंडी की हम बात करते हैं तो भाव रहा 5,730 रुपए। कर्नाटक की नरगुंद मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 5,515 रुपए पर। बता दें कि इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है और पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3,54,91,000 गांठ का उत्पादन रहा था। तो जान लिया आपने कि कपास की हम बात करते हैं तो पैदावार की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है और बाजार भाव का हाल किस प्रकार है, आगे इसमें किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आप क्या कहेंगे कपास के बाजार को लेकर के? कपास की अगर बात करें तो कपास के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। कपास के बाजार में निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, और अगर मंडियों की बात करें तो वहां पर भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज रखी हुई है उन्हें किस तरह के कदम उठाने के लिए आप सलाह देंगे? आवक कम होने की वजह से और निर्यात मांग बढ़ने की वजह से कपास के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को रोक के चलें, अगर रोकते हैं तो उनको यहां से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कपास के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारे, ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, उसकी वजह से मिट्टी बीचों खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहाँ फसल लहराई तो किसान खुश होगा। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बात होगी बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 18 जनवरी को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 10,000 रुपए, जबकि तमिलनाडु की इरोड मंडी की बात करेंगे तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 5,910 रुपए पर। वहीं बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव जो है वो दर्ज किया गया 5,378 रुपए। वहीं हल्दी के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 37% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों
फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जान लिया आपने हल्दी के बाजार के बारे में, इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, हल्दी के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आप इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है, निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, निर्यात मांग से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि आने वाले समय में जब आवक स्टार्ट होगी तो भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि में निर्यात मांग देखने को मिल रही है जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? हल्दी के किसानों को सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है, फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में यहां से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, अगर होल्ड करते हैं तो यहां से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जो बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी की, बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की ही रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की ही रही थी। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,375 रुपए, जबकि हरियाणा की शाहबाद मंडी में प्याज की बिकवाली हुई 2,200 रुपए पर। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो इसका भाव रहा 1,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं बता दें आपको कि सब्जियों के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,72,657 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,22,387 टन सब्जियों का निर्यात हुआ था। तो अभी आपने जान लिया कि सब्जियों का निर्यात किस प्रकार बना हुआ है, प्याज के बाजार के हाल के बारे में भी अभी आपने जानकारी हासिल कर ली, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में इस बार बंपर क्रॉप देखने को मिल रही है, आवक भी बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में इस बार बंपर क्रॉप है और अगर देखें तो भरपूर आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी, वो किस तरह के कदम उठाएं? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है, इस बार अगर देखें तो बम्पर क्रॉप है और जिसकी वजह से भावों में कंटिन्यूसली नीचे के स्तर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, बात कर लेते हैं गोभी के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की दाहोद मंडी में गोभी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,000 रुपए। यहीं की सूरत मंडी की बात करेंगे तो इसके सौदे हुए 1,250 रुपए पर। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में गोभी की बिकवाली हुई 1,800 रुपए पर। और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 600 रुपए, जबकि दिल्ली के आजादपुर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 350 रुपए पर। यह सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गोभी के बाद बात कर लेते हैं मूली के बाजार भाव की। बता कि गुजरात की दाहोद मंडी में मूली का बाजार भाव रहा 700 रुपए, हरियाणा की शाहबाद मंडी में इसका भाव रहा 200 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 113 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसके सौदे हुए 475 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।